YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जीन के साथ साथ आसपास के इलाकों के करीबन 120 दलितों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है और सरकार पर आरोप ये है कि मांगी नहीं मानी, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। इन दलितों ने दिल्ली के लद्दाख बौद्ध भवन में जाकर ये धर्म अपनाया है। इस मौके पर दलित समाज के नेता दिनेश खापड़ ने कहा कि पिछले करीब 113 दिनों से जींद में धरने पर थे, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही थी। कई बार दलित समाज का डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिला, लेकिन हर बार आश्वासन दिया गया। दिनेश का कहना है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई। हमारी मांगे वही है जिनके बारे में खुद सरकार घोषणा भी कर चुकी है, लेकिन अब सरकार खुद ही अपनी घोषणाओं से मुकर गई है। आपको बता दें कि उनकी प्रमुख मांगों में झांसा गैंगरेप की सीबीआई जांच करवाई जाए, ये मांग शामिल है। ईश्वर हत्याकांड के परिजनों को नौकरी दी जाए। जम्मू में शहीद हुए दलित परिवारों को, जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों को नौकरी दी जाए, ये बात कही गई है। साथ ही SC ST एक्ट में अध्यादेश लाना प्रमुख मांग है। तो 113 दिनों से दिल्ली में ये फिलहाल जो सरकार के खिलाफ धरना जो दिया जा रहा था, उसको लेकर 120 दलित समाज के लोगों की ओर से फैसला लिया गया है, धर्म परिवर्तन कर लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले चेतावनी दी गई थी, और खास बात ये है कि सीएम पर आरोप लगे हैं, सरकार पर आरोप लगे हैं कि वो मांगे नहीं मानी गई, वो बातें पूरी नहीं की गई जिनकी सरकार खुद ही घोषणा कर चुकी है। तो ईश्वर हत्याकांड के जो परिजन हैं उनको नौकरी दी जाए। साथ ही झांसा जो गैंगरेप हुआ उसकी सीबीआई जांच करवाई जाए, SC ST एक्ट में अध्यादेश सरकार लेकर आए। इन मांगों को लेकर ये लोग करीब 113 दिनों से धरने पर थे। अब बौद्ध धर्म अपना लिया गया है, धर्म परिवर्तन कर लिया गया है 120 लोगों की ओर से।